नहीं होंगे। सर, 12वीं की परीक्षाएं इस बार आप नहीं करा रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं, कैसे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, कैसे प्रमोशन देंगे? देखिए, 12वीं में हम जो इंटरमीडिएट में प्री बोर्ड का था, एक हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने फार्मूला तय किया है कि जो फर्स्ट ईयर में अंक मिले हैं वो, और जो हमारे हाई स्कूल में अंक हैं, हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर के अंकों को जोड़ के जो औसत आएगा वो। अगर फर्स्ट ईयर में परीक्षा नहीं दी है, पिछले बार प्रमोशन मिल गया है, तो जो इंटरमीडिएट के प्री बोर्ड के अंक हैं उनको जोड़ के जो औसत होगा उसके आधार पर प्रमोशन देंगे। अगर दोनों में नहीं दिया है, प्री बोर्ड भी नहीं दिया है, फर्स्ट ईयर भी नहीं दिया है, तो सामान्य प्रमोशन दे देंगे। और सामान्य परीक्षा के समय ऑप्शन होगा कि विद्यार्थी फिर से परीक्षा में बैठ के अपने अंक को ठीक कर ले। सर, ये जो कोविड कोविड का बताया जा रहा था कि तीसरी लहर है, कोविड की संभावित लहर है, क्या ये इस खतरे को भांपते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी छात्रों वाली परीक्षा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट नीति थी कि हम बच्चों के और अध्यापकों के, शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस आधार पर CBSE बोर्ड का उन्होंने निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का भी हम लोगों ने आकलन किया है, और भी जो पूर्णता, जिसको कह दें मुक्त होने में भी कुछ समय की प्रतीक्षा में और करनी पड़ेगी, तो विद्यार्थियों के असमंजस की स्थिति ना रहे, वो अपने अगले कक्षा के पठन पाठन, जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग है, वो शुरू हो सके, इसके लिए हमने उनको प्रमोशन देने का निश्चय किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, और जो असमंजस बना हुआ था कि आखिर 12वीं के छात्रों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उस पर निर्णय हुआ है कि इस बार 12वीं की उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। 100 सालों में ये पहला ऐसा मौका होगा जब 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। तकरीबन 55-56 लाख विद्यार्थी इस बार शामिल होने वाले थे, उन सभी को प्रमोशन दिया जाएगा, उन सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात की भी गुंजाइश रखी गई है कि अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है अपने नंबर्स से, अपने प्रमोशन से, अपने ग्रेड से, तो उसको दोबारा परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। करने के मकसद से